हम जो यहाँ पर आए हैं आज सलीम नगर मलकपेट पर, ये रॉयल होम्स कंस्ट्रक्शन का अपार्टमेंट है जहाँ पर आपको 2 BHK, ठीक है, 1155, 1420, 1180 एंड 1185 50 के फ्लैट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सलीम नगर का जामा मस्जिद है, ये आप साइड में देख सकते हैं, और ये अपोजिट में आपको पार्क है, सलीम नगर पार्क कहा जाता है इसे, देखिएगा। ठीक है, GHMC पार्क, और यहाँ पे आपको वॉकिंग ट्रैक वगैरह सारा सीटिंग वगैरह का भी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो ये अपार्टमेंट बताऊंगा, ये वाला जो है आपको नीचे सिलर गेट है और ये मेन गेट है। ठीक है, ये वॉशरूम एंड रूम है, रॉयल होम्स कंस्ट्रक्शन का तैयार किया हुआ अपार्टमेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें जो जो एमिनिटीज़ है भी मैं आपको एमिनिटीज़ बताता हूँ। ये वाला जो है पार्किंग एरिया, पार्किंग टाइल्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत टाइल्स फिट किए गए हैं यहाँ पे, और आप अगर दे सकते हैं तो प्लांटेशन कितना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है प्लांटेशन का भी। ये कार पार्किंग वगैरह, टू व्हीलर, काफ़ी स्पेस है आपको, स्टील में सिलर दोनों मिलाकर। ये वाला आपको आएगा स्लॉटर एरिया, जहाँ पर आप अपना जानवर जो है कुर्बानी दे सकते हैं, स्पेशली स्लॉटर एरिया बनाया गया है। ठीक है, और अगर आप पार्किंग में देखेंगे तो पार्किंग में आपको सारा सीलिंग मिलेगा, फॉल सीलिंग। ठीक है, ये वाला जो है सिलर गेट है, मैं आपको भी सिलर भी बताता हूँ। ये वाला आ गया लिफ्ट, 24/7 लिफ्ट है आपको, और ये जो स्टेप्स हैं ये नीचे की तरफ सिलार में जाते हैं, अभी मैं आपको सिलार भी बताऊंगा। ये हम आ गए हैं सिलार में। ठीक है, ये सिलार पार्किंग है। ठीक है, और हम जो ये देख रहे हैं ये कम्प्लीटली सिलार पार्किंग, यहाँ पर आपको पावर बैकअप मिलेगा, पावर बैकअप रहेगा। ठीक है, 24/7 CCTV कैमराज रहेंगे, आपको वॉचमैन सिक्योरिटी रहेगी, बोर, आपको GHMC वाटर और मीटर्स वगैरह भी सेपरेट क्लियर टाइटल रहेगा। बट फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये बता देना चाहता हूँ आपको कि इस पर आपको लोन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको कैश पेमेंट पे ही आपको ये परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर। अभी मैं आपको ये सेकंड फ्लोर का जो फ्लैट बता रहा हूँ, ये वाला जो है 1155 SFT का है, और ये हम जो आ गए हैं हॉल में। ये अगर आप हॉल देखेंगे तो करीब आपको हॉल 12/17 50 का रहेगा। देखिए आप 12/17, ये लिविंग का हॉल है। ठीक है, और ये हम अभी आए हैं लिविंग कम डाइनिंग एरिया में। ठीक है, ये 23/12.3 का है साइज इसका, डाइनिंग एरिया। और ये अगर आ गया किचन, ठीक है, और हम किचन की बात करेंगे तो ये 9.9x8 रहेगा किचन, ये प्लेटफॉर्म है किचन का। ठीक है, और ये फुल्ली वेंटिलेशन फ्लैट्स हैं सारे के सारे। और ये आ गया वॉशिंग एरिया, वॉशिंग एरिया आपको 3/6 का रहेगा, ये देखिए। और वेंटिलेशन के लिए आपको बहुत अच्छी तरह विंडोज़, हर रूम में विंडोज़ आपको, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन कंस्ट्रक्ट की गई हैं। ये आ गया हमारा डाइनिंग कम हॉल एरिया, इसमें भी आपको फॉल सीलिंग में रहेगा, वॉश बेसिन। ठीक है, और अगर हम थोड़ा भी आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखिएगा, यहाँ पे हमको फर्स्ट राइट हैंड साइड पे कॉमन बाथरूम रहेगा। ठीक है, 6x4/6 कॉमन बाथरूम का साइज़ है। ठीक है, ये वाला आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो 10x13 का रहेगा, इसमें भी आपको फॉल सीलिंग मिलेगा। अगर बात करेंगे फॉल सीलिंग की, आप
और कबर्ड स्पेस की, तो आपको दोनों रूमों में, हॉल में, किचन में सारा जो है आपको फॉल सीलिंग और कबर्ड स्पेस वगैरह मिल जाएगा। और ये आ गए हम मास्टर बेडरूम में। ये जो मास्टर बेडरूम का साइज़ है ये 10x3x15 रहेगा, ठीक है, विथ अटैच बाथरूम है इसमें। आपको बाथरूम की अगर बात करेंगे तो 7x4.46 रहेगा बाथरूम साइज़, ठीक है। और ये वाला जो है कबर्ड स्पेस है और इसमें भी सीलिंग फॉल सीलिंग की गई है। और आपको ये वाला जो आएगा बालकनी आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं आपको मलकपेट एरिया की बात करूँ तो मलकपेट एरिया में जो है आपको वेरी नियर मीन्स में मेट्रो स्टेशन रहेगा आपको यशोदा हॉस्पिटल, ठीक है, मलकपेट गंज, MMTS, और आपको टैंक बोर्ड यहाँ से जस्ट 20 मिनट्स की दूरी पर रहेगा। आपको 15 मिनट्स की दूरी पर चार मीनार रहेगा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो 45 मिनट्स की दूरी पर रहेगा, ठीक है। और आपको चादरगढ़ ब्रिज अगर लगाएंगे आप और आप गांधी बस स्टॉप लगाएंगे तो 5-10 मिनट्स की दूरी पर ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो फ्रेंड्स नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और साइट विज़िट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।